चंबल से संसद तक का सफर तय करने वाली फूलन देवी कल अज्ञात हमलावरों की गोली का शिकार हो गई। राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके अशोक रोड में ठीक उनके घर के बाहर तीन नकाबपोश हत्यारों ने गोलियों की बौछार कर उनकी जान ले ली। सारी परिवार पूरा दुखी है और बहुत सारे फूलन देवी के स्वचिंतक थे, संबंधी हैं, स्वचिंतक हैं, अन्य दलों के भी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता बहुत स्वचिंतक थे उसके, वो लोकप्रिय थी, बहादुर थी। दिन दहाड़े हुए इस वारदात से लोग स्तब्ध हैं। फूलन देवी तकरीबन 1:30 बजे संसद से निकली, वह खाना खाने घर जा रही थी। उनका घर संसद भवन से बामुश्किल 200 मीटर दूर है। हमलावर उनके घर के पास ही घात लगाए बैठे थे। हमलावरों ने फूलन देवी पर 5 गोलियां चलाई, इसमें से 3 उनके सिर पर लगी और घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक मामला, मेरे को अभी मैं कुछ, मेरे को माफ करना, मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन कोई राजनीतिक मामला है ये। देखना, दिल्ली में आज जब तक देश आजाद हुआ, जब से आज पहली बार किसी सीटिंग एमपी को पार्लियामेंट चल रही दिल्ली के अंदर गोली से मार दिया। फूलन देवी पर 1981 में उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले के बहमई गांव में एक बड़े नरसंहार को अंजाम देने का आरोप है। फूलन देवी की हत्या से राजनीतिक हलकों में कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग जहां इसे जातिगत लड़ाई की परिणति मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसमें गहरी राजनीति देख रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार शक के दायरे में सभी हैं, दोस्त भी, लेकिन सच क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा।